आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जल शक्ति अभियान व हरेला पर्व के अवसर पर इंटर कॉलेज परसुंगा खाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में स्वच्छता गोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने गढ़वाली भाषा में जल संरक्षण तय अपरू बढ़ावा देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभावा का संदेश देते हुए विद्यालय के छात्र छात्राओं को स्वच्छता, जल संवर्धन, पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया। वहीं जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर व वन पंचायत डुंगरी में विभिन्न प्रजाति के फलदार पौधों का रोपण किया। पौधारोपण के अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अभिभावक अपने बच्चों का पालन पोषण कर बड़ा करते हैं, उस प्रकार एक पौधे को छोटा बच्चा समझकर उसकी देखभाल करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्कूली छात्रों की स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर परसुंगा बाजार हेतु रवाना किया। परसुंगा खाल बाजार में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित लोगों, स्कूली बच्चों को स्वच्छता किट भी वितरित किया। वहीं जल का विवेक से उपयोग करने की शपथ भी दिलाई। जिलाधिकारी ने इंटर कॉलेज परसुंगा खाल में आयोजित जल शक्ति अभियान हरेला पर्व में प्रतिभाग करते हुए वहां उपस्थित छात्र छात्राओं व स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने को कहा, ताकि गाढ़ गधेरों में जल की मात्रा को बढ़ाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि एक छोटे से कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होना लोगों का पर्यावरण के प्रति जागरूक होना दर्शाता है, जो कि भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागृति लाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है। कहा कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए जन आंदोलन शुरू करने के लिए विद्यालय सबसे बेहतर माध्यम है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के माध्यम से किसी भी जानकारी को त्वरित व सटीक ढंग से अभिभावकों ग्रामीणों तक पहुंचाया जा सकता है। इस दौरान जिलाधिकारी ने हरेला त्यौहार के महत्व बताते हुए कहा कि इस वर्ष हरेला पर्व पर प्रदेश स्तर पर 6 लाख पौधों का रोपण, जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगभग 3 लाख से अधिक विभिन्न प्रजातियों के फलदार व चारा प्रति वृक्षों का रोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वन विभाग, शिक्षा, पंचायत राज, कृषि उद्यान की भूमिका विशेष उल्लेखनीय रहेगी। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता रैली के हरी झंडी दिखाकर परसुंगा खाल के लिए रवाना किया, जहां जिलाधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं द्वारा परसुंगा खाल बाजार में सफाई अभियान चलाया गया। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। बदलाव दिखाने के लिए आवश्यक होती है। बहुत विषयों पे बात हुआ। में सावन का महीना प्रारंभ हुआ है। सावन के महीने में आप जानते हैं हरेला का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार कह लीजिए पर जाता है। हरेला का महत्व क्या है आप सब जानते हैं, और उसी को समझते हुए पूरे राज्य के लिए लक्ष्य 6 लाख है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।